महाराजगंज की इस उपजाऊ मिट्टी को ईश्वर ने खास वरदान दिया है, लेकिन गौर परिवारवादियों की सरकारों ने आपको विकास से जानबूझकर वंचित रखा है। इस क्षेत्र में उन्होंने कोई मूलभूत सुविधाएं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनने दिया, पूर्वांचल को सड़कों से वंचित रखा। इन लोगों की नीतियों की वजह से यहां की चीनी मिलें बंद हुई, किसानों की हालत बदतर होती गई। आज जब महाराजगंज, कुशीनगर और पूरा पूर्वांचल, पूरा यूपी विकास की राह पर चल पड़ा है, तो इन गौर परिवारवादियों को नींद हराम हो जाती है। उनको बुरा लगता है कि पूर्वांचल कैसे आगे बढ़ रहा है। पूर्वांचल को जात पात में उलझाकर ये गौर परिवारवादी खुद यूपी का विकास रोकना चाहते हैं। ऐसे लोगों से मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास यही कहने आया हूं कि इन गौर परिवारवादियों से सावधान रहना है। खेती से लेकर मिलिट्री तक, समंदर से लेकर स्पेस तक, भारत को हर क्षेत्र में शक्तिशाली बनना है। इसलिए देश के इतने बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी, हम सब उत्तर प्रदेश के लोगों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। इस बार आपका वोट अपने गांव के, गली के, मोहल्ले के, अपने जिले के विकास के लिए तो है ही, साथ साथ आपका वोट भारत को ताकतवर बनाने के लिए भी है। बनाएंगे ना, भारत को ताकतवर बनाना है ना, आपका वोट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इस बार आपका वोट समर्थ देश के लिए, सशक्त उत्तर प्रदेश के लिए है। ये गौर परिवारवादी, ये गौर परिवारवादी लोग कभी भी भारत को समर्थ नहीं बना सकते, यूपी को सशक्त नहीं बना सकते।